हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ही खूबसूरत आपको फ्लावर दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, वाइट कलर का फ्लावर है, इसका नाम है हिबिस्कस मोटैबिलिस। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुंदर मैं बोलूँगा दिखने वाला फ्लावर है। इसके अंदर इसकी खासियत यह है, ये सुबह मॉर्निंग में वाइट कलर का खिल जाता है इसका फ्लावर। 2 बजे के बाद ये लाइट पिंक हो जाएगा, 4 बजे के बाद ये बिल्कुल डार्क पिंक हो जाएगा और बहुत ही सुंदर है। विंटर में, पूरी विंटर आपको ये फ्लावर अभी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा खिलता है ये। इसकी बर्ड आप देख ही रहे हो, अभी मैं और पास से आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मैं इसकी लीव्स आपको दिखाने जाता हूँ। ये देखिए लीव्स किस तरह की, मैपल जो प्लांट होता है जिसकी लीव्स आपने देखी होगी कलर्ड, वो यहाँ इंडिया में तो नहीं होता बट बाहर विदेश में होता है। उसकी लीव ठीक सिमिलर दिखती है इसी की तरह, आप ये देख सकते हो, और बहुत ही सुंदर प्लांट है ये। अभी 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है, ये आप ज़मीन में भी लगा सकते हो, ज़मीन में भी बहुत अच्छा चलता है ये, और आप इसे पॉट के अंदर भी लगा सकते हो। बहुत ही सुंदर तरीके से चलने वाला ये प्लांट है। इसकी बर्ड देखिए, कितनी सारी बर्ड अभी आने शुरू हो गई है। 100% सन लविंग प्लांट है, इसे धूप में ही आपको रखना होगा और छोटे पॉट्स में भी ये लग जाता है। ये प्लांट अवेलेबल रहता है हमारे पास हमेशा दुर्गा नर्सरी प्लांटेशन में, क्योंकि हम वैरायटियां रखना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक फ्लावर मुझे ज़रूर दिखाना चाहिए। ये कल खिल गया था फ्लावर, जो कि अब बंद हो गया है, आप ये देख सकते हो। ये इवनिंग में बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, अभी थोड़ा फीका पड़ गया है, तो जब भी ऐसे फ्लावर हो जाता है तो आपको तोड़ के भी फेंक देना है, जिससे कि नई बर्ड जल्दी से आ जाए। ये प्लांट अगर आप ज़मीन में लगाते हो तो आप साइज़ देख सकते हो, ये 14 इंच के पॉट के अंदर नर्सरी पॉट में भी लगा हुआ है। ये पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छी हाइट है, और ये अभी 6 फिट की हाइट में अभी हमारे पास ये प्लांट अवेलेबल है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और मैं आपको इसके पास से दिखाता हूँ इसकी बर्ड, ये देखिए, ये अभी बहुत सारे शूट्स इसके निकलना शुरू हो गए हैं। फ्लावर एक बार हो देखिए आप कितना सुंदर है, और ये हिबिस्कस जैसे डबल हिबिस्कस आपने देखे होंगे, दो डबल हिबिस्कस बोलते हैं हम, जो गुथा हुआ होता है, बड़ा फ्लावर होता है। इसका भी 3 से 4 इंच की साइज़ में इसका फ्लावर है। ज़मीन में लगाओगे तो ऑब्वियसली साइज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड फूड मिलता है ज़मीन में। और ये देखिए अभी क्योंकि फ्लावर खिल चुका है, तो अभी बीज भी अट्रैक्ट ऑब्वियसली हो जाती हैं, और ये क्रॉस पॉलिनेशन का काम करती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आपके गार्डन में बीज अट्रैक्ट होती हैं, कई लोग बीज अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर वाले पौधे लगाते हैं, जिससे कि वो क्रॉस पॉलिनेशन का काम करती है, और जो प्लांट फ्लावर वाले आपके फ्लावर नहीं करते वो तेज़ी से फ्लावर करने लग जाते हैं। ये देखिए, तो आप ये, मैं चाहूँगा आप सभी के घर में ये प्लांट होना चाहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। और हिबिस्कस हमेशा गणेश जी पे चढ़ाना बहुत ही शुभ ऑस्पिशियस मानते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, तो आप कलेक्शन के लिए ये प्लांट रख सकते हो, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम है अजय कुमार चेतीवाल, मैं गार्डन हॉबीस्ट हूँ, दुर्गा नर्सरी एंड प्लांटेशन हमारी नर्सरी का नाम है। थैंक यू सो मच।